निगम के बाद मंदिर तोड़ा गया तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी स्थापना कर दी है। अब श्रद्धालुओं की जो यहाँ आस्था देखी जा रही है उसके बारे में आप सब क्या कहेंगे? बाधित हो रहा है उन जगहों पे मंदिर तोड़ने का जो माननीय न्यायालय का आदेश आया था। उसके बाद नगर निगम के बाहर माँ शीतला की मूर्ति थी जो अनेकों सैकड़ों हजारों लोगों की धार्मिक पूजा का जो वहाँ पे एक स्थान था, धार्मिक आस्था का जो प्रतीक था। और उसको जब आदेश आया तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि ये पूरे जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने त्रिवेणी घाट पे जो कि पूरे उत्तराखंड की पूरे विश्व की हृदय स्थली है, त्रिवेणी का संगम यहाँ पर है और माँ शीतला माता की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना करी। विधि विधान से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, गंगा स्नान के उपरांत यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया। और आज इस तरह का माहौल, जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की आस्था आप देख रहे होंगे कि रायवाला से लेकर तपोवन के तक के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ये माँ के प्रति सभी की आस्था ही है। और मैं सभी से यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही सूचित करना चाहूँगी कि माँ शीतला देवी का जो मंदिर नगर निगम के बाहर था अब वो त्रिवेणी घाट पर स्थापित हो चुका है। जो भी श्रद्धालु भक्तजन अपने आस्था की पूजा अर्चना करते हैं अब वो त्रिवेणी घाट पर यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ शीतला माता से, माँ गंगा माता से, कि सभी के घरों में, सभी के पूरे आम जनमानस में सुख शांति, सुख स्मृति बनी रहे, सभी सुख शांति रहें, यही कामना करते हुए मैं सभी को बधाई देती हूँ। आपके इस अच्छे कार्य के लिए शहरवासी बहुत खुश हैं, लोग बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, क्या नगर निगम उनके लिए भी कुछ पहल करेगा? माँ शीतला का मंदिर ये सार्वजनिक मंदिर था, ये सार्वजनिक वहाँ पे स्थान था। और ये मैं जैसे आपको बताया कि आज यहाँ पर रायवाला से लेकर तपोवन के तक के लोग स्वतः ही जुड़े हुए हैं, कोई सूचना नहीं है किसी को। और बाकी जो अन्य मंदिर हैं वो समिति ने बना रखे हैं, उनमें समिति देखो मंदिर है, आस्था सभी में है, लेकिन एक संस्था के द्वारा संचालित होते हैं, वो संस्थाओं के द्वारा संचालित होने वाले मंदिर हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे भी उनको उचित जमीन खरीद के वो भी अपने अपने मंदिरों को वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। जैसे हीरालाल मार्ग पे शंकर जी का मंदिर था, उन्होंने स्वतः ही नाली से पीछे करके वहाँ पे जमीन खरीद के वहाँ पे मंदिर की स्थापना कर दी है। इसी प्रकार से जो भैरवनाथ जी का मंदिर, जो प्राचीन मंदिर था, वहाँ पे समिति ने, सभी लोगों ने वहाँ पे निर्णय करके मंदिर को पीछे करके अलग स्थान पे स्थापित कर दिया है। इसी प्रकार से साईं मंदिर वाले भी जगह देख रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट का उनको 2 महीने का समय दे दिया गया है, इस 2 महीने में वो भी अपनी जगह खरीद के कहीं पे जगह स्थान उचित स्थान देके मूर्ति की स्थापना कर देंगे। तो सभी लोगों का ऐसे नहीं है, मंदिर है, भगवान है, लेकिन माँ शीतला का मंदिर सार्वजनिक था, बाकी और अपनी संगठन के माध्यम से।